दोस्तों स्वागत है आपका पीटीवी इंडिया न्यूज पर। आज हम आपको रूबरू कराएंगे उत्तर प्रदेश की एक ऐसी शख्सियत से जो अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती है और प्रदेश की राजनीति में उनका बड़ा मुकाम है। तेजी से उभर कर वह सामने आए हैं और हमेशा प्रदेश सरकार को घेरने में वह सबसे आगे नजर आते हैं। हम बात कर रहे हैं सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री और जोराबाद सीट से विधायक ओम प्रकाश राजभर जी की। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के आप सहयोगी रहे हैं सरकार के, और अब सरकार का जो दावा था कि कानूनी व्यवस्था हम सही करेंगे और मुख्यमंत्री ने ठोको नीति अपनाई थी, उस पर अब कुछ उसके नतीजे सामने नहीं आ पा रहे हैं सर, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी जी जिस नारे के साथ चुनाव मैदान में जनता के बीच में आई, ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, तो ना तो हट गया गुंडा राज और भ्रष्टाचार। गुंडा राज का आलम यह है कि आजादी के 74 साल में आपने देखा कि पहली बार जिस बात को सूबे के मुख्यमंत्री कहा करते थे कि या तो अपराधी जेल में है या तो जेल अपराधी प्रदेश छोड़ के भाग गए बाहर, 8-8 पुलिस शहीद हो गए, ये अपराधी पाल कौन रहा था 3 साल से, जिसके ऊपर विकास दुबे के ऊपर 60-60 मुकदमे थे। कानपुर का एसपी उसकी मदद कर रहा था, चौबेपुर का एसओ उसकी मदद कर रहा था। पुलिस तो सरकार के अधीन होती है ना, इसका मतलब कि सरकार उसका संरक्षण था। और पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर ब्राह्मण, यादव, पटेल, चौहान, बिंद, कीवट, मल्ला, मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के साथ साथ सबसे पहले इस प्रदेश में हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार की घटनाएं बड़ी तेजी से बढ़ी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के ऊपर। ये इसकी आदत है कि बोलता नहीं है, बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन इधर 2 महीने से जब ब्राह्मण समाज के ऊपर करीब लगभग हमको अंदाज है कि 700 के आसपास हत्याएं हुई हैं इधर इस सरकार में ब्राह्मणों की, जब इधर 2 महीने में इस चरम पे हुआ है, 16 साल के ब्राह्मण के लड़के को निर्दोष, उसका कोई कसूर नहीं ना, उसके ऊपर 116-16 के भी मुकदमे नहीं, जब उसका काउंटर हुआ तो समाज में गुस्सा चढ़ा, आवाज देख रहे हैं पूरे प्रदेश में वो अपने अधिकार के लिए, न्याय के लिए गुहार लगातार फिर रहा है। तो इस प्रदेश में शुद्ध रूप से जंगल राज हो गया है, पुलिस बेलगाम है, सरकार अपने में मस्त है, अपराधी छुट्टा सांड की तरह घूम रहे हैं और सरकार का कोई अंकुश नहीं है। 2017 में आप भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के रूप में चुनाव लड़े थे, 8 सीटों पर आप चुनाव लड़े थे, 4 सीटों पर आपको जीत मिली थी, उसके बाद अलग होना, आपको कैबिनेट में मंत्री भी बनाया था, उसकी अलग होने की वजह क्या है सर? देखिए, जो वादा हमसे उन्होंने किया था, जैसे हम लोग कमरे में हैं तो कमरे में हमारी बात जो अमित शाह जी से हुई थी, पहली शर्त थी कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं प्राइमरी जूनियर, टाट हटा करके कुर्सी मेज की व्यवस्था करानी, दूसरा जो पाठ्यक्रम प्राइवेट स्कूल में है वो पाठ्यक्रम हम सरकारी स्कूल में लागू करेंगे, तीसरा 8 लाख उत्तर प्रदेश में अध्यापकों की जगह खाली है तो 8 लाख अध्यापकों की हम भर्ती करेंगे, ये तो शिक्षा के सवाल पर। चौथा शिक्षा के सवाल पे था कि एमए तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदेश में लागू होगी, इसको इन्होंने लागू नहीं किया, इसको लेके हम संघर्ष करते रहे। दूसरा हमारा था कि जो गरीब कमजोर हैं इनको निःशुल्क सरकार अपने पैसे से इलाज करावे, इसके लिए भी तैयार नहीं हुए। इन्होंने हमसे कहा था कि सरकार बनने के बाद प्रदेश में जिस तरह का अपराध और अधिकारी बेलगाम हैं, भ्रष्टाचार है, इस पर अंकुश लगेगा। हमने कहा ठीक। और बहुत सी चीज़ें थी, प्रदेश में रोजगार देने की बात उन्होंने कहा कि हम प्रदेश में रोजगार देंगे नौजवानों को, गन्ना किसानों का भुगतान करेंगे। हमने इनसे कहा था कि देखिए, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा किया हूँ
और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे में एक बात छन के आई है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग चाहते हैं कि एक हाई कोर्ट का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बने, क्योंकि लोग जब सहारनपुर से, शामली से, मुजफ्फरनगर से जाते हैं इलाहाबाद तो पता लगा या तो ट्रेन लेट हो जाती है तो फिर वो परेशानी उनको झेलनी पड़ती है, या तो उनके मुकदमे खारिज हो जाते हैं अनुपस्थिति में। तो इन सारी चीज़ों को, बहुत सी चीज़ें उनसे सामने रखा तो उनका कि सब लागू कर देंगे, सरकार बन जाए, सरकार बन गई। मैं उनके सामने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात कहा, उसको भी कोई एक काम इन्होंने नहीं किया। मैं सत्ता में जाने के बाद मिनिस्टर बना, 15 दिन के बाद लड़ाई शुरू हुई। आपने देखा कि 2 बार अमित शाह जी इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हमारा उनका समझौता कराने आए, लेकिन ये भी नहीं बात माने ना वो माने। ये तो कमरे की बात थी, जनता के बीच में इन्होंने कहा था कि हम 15-15 लाख रुपया आपके खाते में देंगे, 1 रुपया खाते में देने की बात नहीं किया, बल्कि 5 किलो गेहूँ 15। वो तो 2014 का वादा था, आपने 2017 में उनके साथ चुनाव लड़ाया। 2014-19 में भी तो वादा था जी, नहीं 2014 में भी था ना सर, 2014 में 3 साल का टाइम मिल गया था ना सर, युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देने की बात थी हर साल जी, नहीं 2014 का वादा है, 14 का वादा आपने 17 में चुनाव, नहीं जनता के सामने वादा किया, हम तो 17 में गए जी, लेकिन 14 में उन्होंने वादा किया था, हमको भी लगा कि युवाओं का भला हो सकता है, लेकिन वो कुछ नहीं किया। इन सब चीजों को लेकर के जो हमारे साथ समझौता हुआ, हमने इनका साथ छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया मंत्री पद से। जब हमारी बात नहीं मानी गई तो ये सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में, अपराध को बढ़ावा देने में और प्रदेश की संपत्ति बेचने के लिए, अभी मुख्यमंत्री का बयान आया कि जितने भी कमिश्नरी पर बस अड्डे हैं उसको हम बेचेंगे, सरकारी स्कूल जितने हैं उसको हम बेचेंगे, सरकारी हॉस्पिटल हम बेचेंगे। जब आप सब कुछ बेच दोगे तो प्रदेश की जनता को क्या मिलेगा? उधर देश के प्रधानमंत्री देश की संपत्ति बेचने में लगे हैं, ये मुख्यमंत्री, इनको खुद पे भरोसा नहीं। आप देखिए कोरोना जैसी महामारी में 11 टीम बनी, स्वास्थ्य मंत्री तक को नहीं रखा, आप जा रहे हो कोरोना जैसी महामारी से निपटने और स्वास्थ्य मंत्री को पर विश्वास नहीं, 2-2 डिप्टी CM आपके पास हैं, आपने 2 डिप्टी CM में से एक को भी नहीं रखा, आपके कैबिनेट में कोई ऐसा लायक मिनिस्टर नहीं है जिसपे आपका भरोसा हो, किसी को नहीं रखा। ये इनके कारनामे जग जाहिर है कि कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए इनको ब्यूरोक्रेट, 10 ब्यूरोक्रेट ले लिया, एक वो हो गए। तो ब्यूरोक्रेट के लोग जो हैं ये इनको जैसे नचा रहे हैं वैसे नाच रहे हैं, पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार अधिकारी कर रहे हैं और अधिकारी बेलगाम हैं, क्योंकि उनके ऊपर ना मुख्यमंत्री का अंकुश है ना सरकार का अंकुश है। इसकी वजह से इस सारी चीज़ों को देख करके हमने इनका साथ छोड़ दिया। 2022 में विधानसभा चुनाव में आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी मिल चुके हैं, जीते जी में आपने आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह से भी मुलाकात की थी और संजय सिंह पर मुकदमे भी दर्ज हुए क्योंकि उन्होंने STF को स्पेशल ठाकुर फोर्स बोला था। तो क्या उत्तर प्रदेश में 2022 का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, क्या वो ठाकुर और गैर ठाकुर के आधार पर होगा या क्या आपका? देखिए, हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया, जो प्रदेश में वंचित समाज है, जो आज़ादी के 74 साल में अपनी हिस्सेदारी नहीं पाया है, ऐसे लोगों को हम लोग समझा रहे हैं, जिसमें माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जन अधिकार पार्टी, श्रीमती किशोरा पटेल अपना दल, उसके बाद अनिल सिंह चौहान राष्ट्र उनका जनता क्रांति पार्टी, बाबूराम पाल राष्ट्र उदय पार्टी, आपके रामकरण कश्यप भारतीय वंचित समाज पार्टी, रामधनी बीन भारतीय मानव समाज पार्टी, और 8 लोग मिलकर के हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया। उसके साथ साथ हमारा प्रयास हो रहा है कि जो प्रदेश में वंचित समाज, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको हम निःशुल्क शिक्षा और समान शिक्षा, जो पाठ्यक्रम प्राइवेट में है वही पाठ्यक्रम हम, जो 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने आपसे वादा किया था उसी के आधार पर आप काम करना चाहते हैं। हाँ, इस विचारधारा को जो लोग लागू करना चाहते हैं, देश प्रदेश में अमन चैन कायम करना चाहते हैं, जो सरकार का अंकुश नहीं है अधिकारी और कर्मचारी पर,
इसको हम समाप्त करना चाहते हैं, हम बेहतर शासन देना चाहते हैं। हम लोग जानते हैं कि पुलिस सरकार के अधीन होती है, सरकार का अंकुश पुलिस पे नहीं है, सरकार का अंकुश अधिकारियों पे नहीं है। अधिकारी बहुत कमजोर होते हैं, बहुत डरपोक होते हैं, लेकिन जब नेता डर रहा है तो फिर अधिकारी तो डरवाइए करेगा। तो हम लोग भागीदारी संकल्प मोर्चा बना करके हम लोगों ने, चाहे शिवपाल यादव जी से मिला हूँ, चाहे मुलायम सिंह से मिला हूँ, चाहे अखिलेश से मिला हूँ, चाहे चंद्रशेखर रावण से मिला हूँ, चाहे संजय सिंह से मिला हूँ, हम मिलते सबसे हैं। हम सबसे मिलके इस बात का समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आज देश की जनता संकट में नहीं है, देश संकट में है। देश बिक जाएगा, देश की संपत्ति बिक जाएगी। आज अभी कोरोना जैसी महामारी में आपने देखा होगा कि प्लेटफार्म टिकट 50 रुपए का बिका था, ठीक है। अब समझ लीजिए कि ये प्राइवेट को रेलवे स्टेशन देने जा रहे हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग देने जा रहे हैं। हमने एक वीडियो देखा था एक दिन फेसबुक पर, अब किसी साथी ने बनाया था, इसी प्राइवेट पर हॉस्पिटल में गया इलाज करने, उसका एक्सीडेंट हो गया। वहां गया तो डॉक्टर जो है घाव लगा था उसके हाथ में, पट्टी बांध दिया पैर में। तब वो पूछ रहा कि भाई आप डॉक्टर साहब ठीक हो जाएगा? डॉक्टर साहब हाँ आप ठीक हो जाएगा। कहें कैसे ठीक हो जाएगा, चोट हमको हाथ में लगी है, पट्टी बांध दी है गोड़ में। तो कहें आपको पता नहीं है कि सरकार ने हमको ठीका दे दिया, हम जो मर्जी सो करें। उसी तरह वो जब गया टोल टैक्स पर तो 50 रुपया निकाल के दे रहा, तो कहा नहीं नहीं 50 रुपया नहीं, हमको 500 रुपया चाहिए। ये तरीका, मतलब स्टेशन पर भी आप सो नहीं सकते, आप रोड पे जा रहे हैं, क्या रोड पे रोड मालिक जो प्राइवेट है वो क्या करेगा? ऐसी स्थिति जो प्राइवेट को दे रहे हैं, देश संकट में है। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, आपके कोयले की खदान बेच दिया, 28 विभाग BJP मोदी जी बेच रहे हैं। तो इस जब बेच जाएगा सब देश प्राइवेट के हाथ में हो जाएगा, तो फिर ये देश अंग्रेजों की जैसे गुलाम था। अभी जैसे उठा कर देखिए आप, 50 उद्योगपतियों कर्जा माफ किया ना, ये किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ करते? किसान देश का अन्नदाता है, नेता से लेके जो सीमा पे जवान लड़ रहा है सबका पेट भरता है। इसका खाद बीज कीटनाशक दवा कल्टीवेटर, इसका कर्ज माफ नहीं हो रहा है, लेकिन 50 उद्योगपतियों का कर्जा 68,607 करोड़ रुपया माफ कर दिया। आप उनका माफ करते जो देश का कर्जा, देश का पेट भर रहा है। आज किसान गन्ने का अपना भुगतान के लिए तरस रहा है और उसके लिए पैसा सरकार के पास नहीं है, तो देश खतरे में है। तो सर ये माना जाए कि 2022 में आप भागीदार संकल्प मोर्चा और समाजवादी पार्टी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और चंद्रशेखर रावण और आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? देखिए हम मिलते सबसे हैं, हम भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनाएंगे, दावे के साथ कहता हूँ सरकार बनाएंगे। हम पश्चिम में हैं, पूर्वांचल में हम 125 सीट जीतेंगे। भागीदारी संकल्प मोर्चा जो हमारे 8 लोग हैं, अभी हमारी ताकत, हमारे साथी गण यहाँ हैं जो पूरब जाके देखे हैं, एक एक सीट पर BJP जो जीत के आई है उसमें ओम प्रकाश राजभर अकेले इनके साथ खड़ा था, तब 125 सीट जीते हैं। आज हमारे साथ 8 लोग खड़े हैं, 8 लोगों का उधर वोट है, इधर भी हम वो ताकत दिखाएंगे। भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनाएंगे। जहाँ तक सवाल लोगों के साथ आने का है, देखिए टाइम जब आता है, जैसे रात को सब सोने का टाइम आता है तब मच्छरदानी लगाई जाती है, सुबहियाँ सूत की उठिए मच्छरदानी नहीं लगाई जाती, तो हम मच्छरदानी और डंडा उसकी रस्सी हम मिल तैयार कर रहे हैं। अब जो लोग इसमें आना चाहेंगे उनका स्वागत है, जो नहीं आना चाहते उनका कोई, हम उनको जबरी नहीं करेंगे। आपने मेरठ बेंच की बात उठाई, जो लंबे समय से मांग चली आ रही है कि मेरठ में हाईकोर्ट की बेंच बनाई जाए, जिससे इन लोगों को पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उनको आसानी से अपने मुकदमे आसानी से वो लड़ सके, क्या आपने यह मांग 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया था तब भी रखी थी सर आपने? मैं सरकार में था, अमित शाह से इस बात को कहा था, प्रधानमंत्री से इस बात को कहा था और मुख्यमंत्री से, तीनों से कहा। इन लोगों ने कहा कि आप ही को दिक्कत है, उस इलाके का कोई नेता नहीं बोलता, न विधायक न सांसद बोलता है, खाली आप क्यों बोलते हो? हमको, मैं जाता हूँ लोग बताते हैं। तो इस इलाके के जो नेता चुने जाते हैं ये गांधी जी के 3 बंदर है, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो,
गांधी जी के तीन बंदर चुन के जाते हैं जनता के बीच में, तो बड़े लंबे लंबे भाषण मारते हैं, ये सदन में खड़ा होकर के इस इलाके की खाली विधायक, सदन चला 20 तारीख को ना, इस इलाके के पश्चिमांचल के खाली विधायक खड़े हो जाए सदन में, ओम प्रकाश राजभर हाईकोर्ट का आदेश करवा देगा। लेकिन ये गांधी जी के तीन बंदर हैं। जब इस प्रदेश की पश्चिम की जनता इनसे कहती है, एक कान में उंगली डाल देते हैं, सुनिए नहीं देता है। जब लोग कहते हैं कि ये होना चाहिए, चलो दिखाई नहीं देता है, कहते हैं कुछ बोलो तो हुआ बोलबे नहीं करते हैं। सिर्फ जैसे इस इलाके के सांसद, कम से कम हमारा अंदाज है कि नहीं कुछ तो 35-36 सांसद हैं, ये 35-36 सांसद दिल्ली की पार्लियामेंट में खड़े होकर ललकार दें तो प्रधानमंत्री मजबूर हो जाएंगे और बन जाएगा। उत्तर प्रदेश में कम से कम इधर के 200 विधायक हैं, खड़े हो जाएं तो सरकार उलटने की क्षमता रखते हैं। और ये हाईकोर्ट की क्या बात है, ये लोग गांधी जी के तीन बंदर की तरह हैं, ये हुआ जी हजूरी करने जाते हैं, अपना पेट भरने जाते हैं, अपनी राजनीति करने जाते हैं, समाज से मतलब नहीं है। अगर समाज से मतलब होता तो कहिया का हाईकोर्ट बन गया होता। 2022 में आपकी क्या रणनीति रहेगी पश्चिम उत्तर प्रदेश में? आपकी पार्टी का कोई अभी ऐसा खास जनाधार नहीं है, तो आप किस आधार पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी की उपस्थिति दर्ज कराएंगे सर? देखिए, अभी आपको जानकारी नहीं है लगता है, चाहे शामली हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़े नेता उभरे थे चौधरी अजी, उनका एक गाँव है खतौली, मैं खतौली में जनसभा किया था, कम से कम 4,000 लोग जुटे थे खतौली में। शाम को चौधरी अजीत जी का फोन आ गया कि यदि भाई हमारे हृदय में आपने छेद कर दिए, उनका बहुत एक समझिए कि उनकी राजनीति का वो पैदाइशी है खतौली है ना, हाँ। तो अब आप समझ लीजिए कि खतौली जैसे इलाके में जहाँ 4,000 लोग जुट सकते हैं, चाहे शामली हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे सहारनपुर हो, चाहे एटा इटावा कन्नौज हो, चाहे आपके अमरोहा हो, चाहे गाजियाबाद हो, कोई ऐसा इलाका नहीं जहाँ हम 4,000, 6,000, 2,000, 5,000, 10,000 की मीटिंग न किए हों लोग। आज कोई ऐसा गांव, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं बचा है कि जहां ओम प्रकाश राजभर की विचारधारा उनके गांव तक, उनके मोहल्ले तक, जन जन तक पहुंच गई है। लोग खोज रहे हैं, लोग चाह रहे हैं कि सिंगल एक नेता है जो सच बोल रहा है। सबके जहन में यह बात है, आपके भी दिमाग में यह बात होगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश जो है सर, गन्ना किसानों की बेल्ट कही जाती है, और गन्ना किसानों का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है, जो जनवरी फरवरी तक अभी भुगतान नहीं हुआ, तो प्रदेश सरकार ने उस पर अभी तक कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया, ना विपक्ष उस पर खामोश है, विपक्ष ने भी कोई ऐसी आवाज़ नहीं उठाई जैसे मुलायम सिंह के समय में उठाते रहे हैं, या मायावती जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी तब उठाती थी, अब ऐसा क्यों नहीं नजर आ रहा? विपक्ष कहाँ है सर, विपक्ष तो नजर ही नहीं आ रहा है। देखिए, मैं 2 साल सत्ता में था तो विपक्ष की भूमिका मैं ही निभाया, देखे होंगे आज भी मैं, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, आज भी मैं अकेले विपक्ष की भूमिका में हूँ, किसी का पता नहीं है। आपने सवाल गन्ना भुगतान का किया, संजोग से गन्ना विकास मंत्री भी आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं, है ना, और हमारे बहुत परम मित्र हैं। मैं जब भी मिलता हूँ, जब सदन में खड़ा होता तो इशारा करते हैं कि हमके नहीं है, आप याद रखो, आप गन्ना विकास मंत्री हो, जिस इलाके से आते हो उधर का भुगतान नहीं हुआ है, तो सदन में बड़ा सफेद झूठ बोलते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। मैं फिर कह रहा हूँ, इस इलाके के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो भी जनप्रतिनिधि जीत के जाते हैं, वो क्षेत्र की समस्या नहीं, वो अपनी समस्या खाली हल करने के लिए जाते हैं। आज की तारीख में गन्ना किसानों का भुगतान सरकार मजबूर होकर करेगी, 15 दिन के अंदर भुगतान हो जाएगा। खाली यहाँ के MLA चाह जाएं, यहाँ के सांसद चाह जाएं तब, लेकिन ये नहीं चाहते, ये डरते हैं कि हमको पार्टी से निकाल दें। कैसे निकाल देंगे? जनता ने आपको जितवाई है, तो ये इस इलाके का प्रतिनिधित्व तो जनता जिसको देती है, बड़े लंबे चौड़े भाषण मार के ले लेते हैं बहका करके, तो ये वहाँ मूक दर्शक बन के बैठते हैं। आप देखे होंगे सदन में हम अकेले बोलते हैं, जब 403 विधायक हैं, 4 विधायक हमारी पार्टी से है, 399 हमारे खिलाफ रहते हैं। मैं मिनिस्टर था तो 47 मिनिस्टर थे, 46 एक तरफ, कैबिनेट में भी लड़ाई आर पार की होती थी, सदन में आर पार की होती थी। हम तो दावे के साथ कहता हूँ, सारी समस्या के निदान के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो पावर दिया, उस पावर का इस्तेमाल
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान करते हैं, लेकिन गलत दिशा में जाके कर देते हैं, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। जिस दिन सरकार भागीदारी संकल्प मोर्चा की बनी, 6 महीने के अंदर सारी गन्ना किसानों का भुगतान हम करके दिखाएंगे। तो आपकी आपको हमने आपको रूबरू कराया है उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे ओम प्रकाश राजवर्ती से, और आपने बहुत ही बेबाक अंदाज में इन्होंने अपनी बात कही है, और इन्होंने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में भागीदार संकल्प मोर्चा की सरकार बनने जा रही है। यह तो 2022 में ही पता चलेगा कि इनके दावे में कितना दम है।